अब अपने फ़ोन पर है और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्रेंड्स कि फ़ोन पे से हमारा जो पैसा कट चुका है और जो हमारे अकाउंट से पैसा कट चुका है और उसे हम कैसे वापस ला सकते हैं, कस्टमर केयर से कैसे बात कर सकते हैं फ़ोन पे का। सो इसके लिए तो सबसे पहले फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर हिस्ट्री पे आ जाना है और हिस्ट्री पे आने के बाद आपको यहाँ पर उस पेमेंट को सेलेक्ट कर लेना है जिसको आपने पेमेंट किया है और उनको पैसा रिसीव नहीं हुआ है और आपके अकाउंट से पैसा भी कट चुका है और यहाँ पर फेल्ड या फिर पेंडिंग शो हो रहा होगा, तो उस जो कॉन्टैक्ट है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको ट्रांजेक्शन आई डी दिख जाएंगे, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे एक कॉन्टैक्ट फ़ोन पे सपोर्ट का ऑप्शन दिख जाते हैं, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में तो आपको एक लैंग्वेज का ऑप्शन दिख जाएगा या फिर आपको यहाँ पर दिखेगा, तो आपको लैंग्वेज पे क्लिक करके आपको जो भी लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज को आप कंफर्टेबल जिस लैंग्वेज में है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इंग्लिश ही सेलेक्ट रहने देता हूँ। आप चाहे तो यहाँ से हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु जो भी आपको आती है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से बाहर आ जाइए और उसके बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट हो चुका है। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने जो इतना पैसा जो आपने भेजा है वो फेल्ड हो चुका है या फिर पेंडिंग में शो हो रहा है और आपके अकाउंट से कट चुका है, तो आपका जो पैसा है जो अकाउंट से कट चुका है, तो यहाँ पर मनी हैज लेफ्ट माय अकाउंट, तो जी हाँ मेरे मोबाइल से पैसा कट चुका है, तो हम यहाँ पर मनी हैज लेफ्ट अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे। अब क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है क्या आपका जो आपका बैंक अकाउंट है उसका स्टेटमेंट आपने देखा है, तो मैं यहाँ पर अपना स्टेटमेंट देख लिया हूँ, तो आप यहां पर यस आई चेक्ड माय स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर ये आपसे बोलेगा सॉरी नो दैट यू वेरी दैट यू बैंक डिडक्टेड मनी फेल्ड पेमेंट, यानी कि आपके अकाउंट से जो पैसा कटा है उसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा खेद है, मैं इस प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी ठीक कर दूंगा। तो हमें यहाँ पर ओके गोट इट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर हम गोट इट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर एक तो ये बोल रहे हैं कि हम आपको जो आपका ये स्टेटस है 24 आवर में ये जो तो ये बोल रहे हैं कि हम आपको जो आपका ये स्टेटस है 24 आवर में ये जो सॉल्व कर देंगे, अगर आपका पेमेंट कटा है तो वो पेमेंट भी वापस कर देंगे, रिफंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना जो ये जो आपने कंप्लेंट किया इसका स्टेटस देखने के लिए आपको यहाँ पर व्यू टिकट पर क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप व्यू टिकट पे क्लिक करेंगे तो आपने जो यहाँ पर कंप्लेंट किया है उसका स्टेटस आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा, जैसे कि ट्रांजैक्शन आईडी और स्टेटस का क्या आपको यहाँ पर जो स्टेटस क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको 24 आवर का वेट कर लेना है और आपका जो पैसा कटा है या फिर फेल्ड हुआ है वो सभी पैसा आपको रिफंड आ जाएंगे फ़ोनपे अकाउंट में। तो इस तरह से आप फ़ोनपे के अकाउंट में पैसा वापस ले सकते हैं, फ़ोनपे कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें नीचे आकर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा जितना हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।